गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। इसमें खुशवंत सिंह अपने और अपनी दादी के रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जब खुशवंत सिंह छोटा बच्चा था, अपनी दादी के साथ वो विलेज में रहता था। उसके जो माँ बाप हैं वो सिटी में सेटल होने के लिए गए हुए थे, तो दादी माँ जो अपने पोते को सुबह सुबह उठाती, उसको नहलाती, उसको तैयार करती स्कूल के लिए। दादी की एक आदत थी, जब वो अपने बच्चे को तैयार करती थी, यानी कि जब वो अपने पोते को तैयार करती थी, तो प्रेयर गाती रहती थी। वो ये मानती थी उसका पोता जो ऑथर है वो उसकी प्रेयर को सीखेगा, लेकिन जो बच्चा है, जो ऑथर है, वो उसकी प्रेयर को लाइक करता था, कभी उसको सीखने की कोशिश नहीं की। उसके बाद ये दोनों तैयार होकर स्कूल जाते एक साथ। स्कूल और टेंपल दोनों एक साथ थे, तो दादी अपने टेंपल में जो होली बुक्स होती है उनको रीड करती थी, और जो पोता है वो अपने स्कूल में स्टडी करता था। फिर दोनों ही स्कूल की छुट्टी के बाद वापस आते, जो दादी है वो अपने साथ विलेज डॉग्स जो होते हैं उनके लिए कुछ चपाती लेके जाती थी, वो उनको डालती थी। ये उनका गाँव का रूटीन था, ये उनका विलेज वाला शेड्यूल है, यानी कि उनकी लाइफ का फर्स्ट फेज है। उसके बाद क्या होता है कि नरेटर जो है उसके माँ बाप सेटल हो जाते हैं सिटी में, तो वो ऑथर को और ग्रैंड मदर को दोनों को सिटी में बुला लेते हैं। यहाँ पे उनके बीच में एक चीज कॉमन थी कि दोनों एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें चेंज हो जाती है कि अब जो नरेटर है वो सिटी स्कूल में पढ़ने लग गया, सिटी बस से जाता है, अब दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जाती, और उसकी जो स्टडी है उसमें भी दादी माँ हेल्प नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे जो स्टडी होती है वो साइंस की है, मैथ्स की है, और दादी को इतना कुछ नहीं आता है। और एक बार दादी को जब पता लगता है कि वहां पर म्यूजिक क्लासेस पढ़ाई जा रही है ऑथर को, तो दादी को बहुत बुरा लगा, दादी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और दादी उससे बोलना छोड़ देती है। दादी का मानना होता है कि जो म्यूजिक होती है हार्लोट या फिर बैगर से जुड़ा हुआ होता है, जेंटलमैन के लिए म्यूजिक नहीं होता। उसके बाद दादी अपना एक अलग ही शेड्यूल बनाती हैं। सिटी में दोपहर में पैरोज को हाफ एन आवर आधा घंटा फीडिंग करती है, और उसके बाद सारा दिन स्पिनिंग करती रहती है, स्पिनिंग द व्हील पूरे दिन, और प्रेयर गाती रहती है। दादी माँ की एक पोस्चर क्या है कि थोड़ी सी झुकी हुई है, अपने स्तूप को होल्ड किए हुए वन हैंड से, और एक हाथ में रोजरी होती है, माला झुकती रहती है। उनका जो फेस है वो रिंकल्ड है, हेयर व्हाइट है, और व्हाइट ही साड़ी पहने होती है। तो ये उनका डेली रूटीन है सिटी का। उसके बाद जो ऑथर है वो यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर देता है, ये उनका तीसरा फेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आता है, उनके बीच में जो कॉमन लिंक था कि वो एक ही रूम में रहते थे वो अब खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ऑथर जो है अपना सेपरेट रूम ले लेता है, यानी कि ऑथर को अब सेपरेट रूम मिल गया और वो वहां रहने लग जाता है, और दादी उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर भी इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है। जब ऑथर स्टडी के लिए अब्रॉड जाता है तो दादी उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आती है। ऑथर सोचता है कि पता नहीं मैं दोबारा मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, लेकिन दादी को पूरा यकीन होता है। दादी उसके फोरहेड पर एक किस करती है, उसके बाद वो चला जाता है। जब वो 5 साल बाद वापस आता है तो दादी वैसी की वैसी है, उसको स्टेशन लेने जाती है, और उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। उस दिन दादी ने प्रेयर नहीं की, और एक पुराना सा ड्रम लेकर आसपास की औरतों को इकट्ठा कर सिंगिंग स्टार्ट कर देती है, बजाना स्टार्ट कर देती है, बहुत गाती है बहुत ज्यादा। तो सारे लोग सोचते हैं कि दादी को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो उसको बंद करवा देते हैं। उस शाम दादी बीमार पड़ जाती है, डॉक्टर आता है, चेक करता है, कहता है कि माइल्ड फीवर है, ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी को पता था कि उसका एंड नियर है, इसलिए दादी सभी से बोलना छोड़ देती है, अपनी जो माला है वो जपना स्टार्ट कर देती है, और अचानक ही उनके लिप्स जो है मूविंग करना छोड़ देते हैं, और जो माला है रोजरी वो उसके हैंड से नीचे गिर जाती है, यानी कि दादी अब नहीं रही। उसकी डेड बॉडी को नीचे उतार कर रख दिया जाता है, और उसके बाद सुबह क्या होता है कि सभी लोग क्रेमेशन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए तैयारी के लिए चले जाते हैं। तभी वापस आते तो देखते हैं कि स्पैरोज थाउजेंड में वहां बैठी हुई है और कोई चर्पिंग नहीं है। जो ऑथर है उसकी माँ, ग्रैंड मदर की बात नहीं कर रहा, उसकी माँ
कुछ ब्रेड के पीसीज लेती है और उनको डाल देती है, लेकिन पैरोज किसी भी पीस को उठाते नहीं है। और जब डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है तो पैरोज भी वहां से चुपचाप उड़ जाती है, और जो पेपर है वो वहां पे जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं उनको साफ कर देता है। ये एक सिंपल कहानी है। नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसकी ग्रैंड मदर थी और कैसे उनके रिलेशंस थे। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच।